Hi everyone, my name is Shreya and welcome or welcome back to my channel Beauty and the Code. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये वाला मेरा सेकेंड बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है एंड इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे मिक्स करके कुछ भी अनऑर्गेनाइज वे में रख दिए हैं मैंने. आई एम एक्चुअली एम्बेरस्ड शोइंग यू दिस बिकॉज इट जस्ट शोज हाउ डिसहेवल्ड द सिचुएशन इज. एंड मैंने सोचा, मतलब मैंने सेकेंड थॉट्स लिए कि मैं ये वीडियो करूँ या नहीं करूँ, बट आई रियली रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड मैं कौन से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ. आप में से बहुत सारे लोगों ने जब मेरे कलेक्शन वीडियोस देखे थे तब आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्टोर कैसे करते हो अपनी चीज़ों को, ज़रूर शेयर करिएगा. सो कंसिडर दिस एज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ दैट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग ऑन माई चैनल रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन आई विल काइंड ऑफ कीप दिस एज अ रेगुलर हैबिट और एक्टिविटी. तो मैं अपने जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, परफ्यूम्स कैसे स्टोर करती हूँ, मेकअप कैसे स्टोर करती हूँ, ज्वेलरी कैसे स्टोर करती हूँ, ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं सारे कैटेगरीज कवर करूँगी. आई एम गोइंग टू शो यू माई मोस्ट अनऑर्गेनाइज कवर्ड एंड टुगेदर वी विल ऑर्गेनाइज दिस. तो मैंने अपने कवर्ड के इस सेक्शन को आज टारगेट करने वाली हूँ मैं आप लोग के साथ. आप देख सकते हो इस सेक्शन में कपड़े हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम चीज़ें हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ ठूस रखा है चीज़ों को एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं विच लुक्स ओके, काइंड ऑफ डिसेंट. बट नीचे के जो दो ड्रॉर्स आपको दिख रहे हैं वो सबसे बुरी हालत में है. आई रियली नीड टू वर्क ऑन दोस. तो आज ये दो सेक्शंस मेनली मैं टारगेट करूँगी एंड देन आई विल मूव अपवर्ड्स फॉर अदर थिंग्स. तो ये दो सेक्शंस आप देख सकते हो काफ़ी वाइड है एंड यू नो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजर मैं रख रही हूँ, जैसे ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने रखा है, दैट इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्पेस. तो मैंने बहुत एनालिसिस किया एंड वो करने के बाद आई केम अक्रॉस वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स. सो गाइज, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए ब्लश बीज के लिविंग बॉक्सेज विच आर दी ऑर्गेनाइजर्स दैट आई बी यूजिंग इन टूडेज वीडियो. एंड ये वाला 44 लीटर कैपेसिटी का बॉक्स है. देख के पता नहीं चल रहा बट इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगी देन यू नो हाउ बिग इट इज़. एंड बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. इसमें बहुत अच्छा सा विंडो डिस्प्ले है, इसमें यू नो वाटर रेजिस्टेंस क्लोथ लगा हुआ है, इसमें मेटल फ्रेम है अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है ये. एंड इसके अलावा जिप एनक्लोजर है, व्यू विंडो है एंड दिस इज ऑक्सफोर्ड फैब्रिक. तो ओवरऑल ये मल्टीपर्पज बॉक्स है, गारमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, साड़ीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई सेड गाउन्स, चादरें, ब्लैंकेट्स, टॉयज, सारी चीज़ों के लिए आप इसको एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हो. तो मैं ये वाली यूज़ करने वाली हूँ. आपको ओपन करके मैं कंसोलिडेट करके दिखाती हूँ कितना एक मिनट का काम है इसको ऑर्गेनाइज करना. एंड जब आपको नहीं यूज़ करना आप इसको वापस ऐसे फोल्ड करके यू कैन जस्ट पुट दिस इनसाइड योर कबर्ड. तो यू नो जब आपको इसका काम करना है, जब आपको इसको यूज़ करना है, तब आप इसको अनफोल्ड करके आप यूज़ करके अपने कबर्ड में रख सकते हो. जब आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने कबर्ड में, यू नो मोर नीड दिस, आप इसको फोल्ड करके यू कैन जस्ट पुट दैट बैक. तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ऑर्गेनाइज़र कैसा है और इसको कैसे यू नो फोल्ड अनफोल्ड कैसे करके इसको सेटअप करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट एंड कंसोलिडेट द बॉक्स. दिस इज हाउ स्लीक दिस बॉक्स इज. यू कैन सी हाउ स्लीक दिस इज. I absolutely love this box and आपको बस इतना ही करना है. You just have to hold this from here and you have to do this and it gets opened like this. And इसके ऊपर chain है तो I'm going to open this chain. अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक protection sheet लगी हुई है which we are going to remove. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे तीन steel के panels लगे हुए हैं. एक यहाँ back support के लिए ये panel है और यहाँ साइड में दो पैनल्स इस तरह और इस तरफ लगे हुए हैं. तो ऑल दैट वी हैव टू डू इज कि ये जो स्टील के फ्रेम्स लगे हुए हैं इनको पुश करके इसको स्टडी खड़ा करना है. दैट्स इट, इट्स दैट इजी. देयर यू गो.
तो मैंने मेटल फ्रेम्स आपके सामने लगा दी. द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज कि सामने का ये जो विंडो है इसको जिप करना है, तो इसको जिप लगा के क्लोज कर सकते हैं. एंड द बॉक्स इज रेडी टू यूज. तो आप देख सकते हो सामने की तरफ एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है एंड यहाँ पे जिप इंक्लोजर है, तो आप ये जिप ओपन करके अपने कपड़े चादर जो भी है आप यहाँ सामने से विंडो से निकाल सकते हो. फिर यहाँ इसके ऊपर एक कवर है एंड ये कवर से आप अपने बैग को सिक्योर करके रख सकते हो लाइक सो. सो इस तरीके से बॉक्स बंद हो जाएगा. यहाँ पे वो चिट्स डालने का सिस्टम है कि आप यू नो लिख सकते हो कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स आपने अंदर डाले हुए हैं. एंड इस तरफ से फिर से एक विंडो है सी थ्रू देखने के लिए कि क्या सामान है. इस तरफ दोनों साइड हैंडल्स भी है तो ये उठाने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है. एंड उन सब के अलावा आप इसको कबर्ड में ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको कबर्ड में ऐसे भी रख सकते हो, ये हैंडल से आप पुल आउट कर सकते हो, और अगर आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हो. तो ओवरऑल ये बॉक्स एक बहुत ही स्टर्डी एंड बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है. ये इसके ऊपर अगर पानी भी गिर जाता है तो भी अंदर का जो मटीरियल है वो वाटर रेजिस्टेंट है. तो यू नो ये देखो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. आप बहुत सिक्योरली अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं. अभी मैंने ये 44 लीटर वाला आपके सामने कंसोलिडेट कर दिया. नाउ अब मैं आपके सामने 24 वाला करूँगी. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है. चलिए मेरे ऑर्गेनाइजर्स रेडी हैं. अब मैं अपने कबर्ड का सामान जो नीचे के दो शेल्स हैं वो सामान पूरा एम्प्टी आउट करने वाली हूँ एंड प्रॉपरली डीक्लटर करके देन वी विल रीअरेंज द थिंग्स इन दीज बॉक्सेस. मैंने नीचे के दो जो शेल्फ्स हैं उसका पूरा सामान निकाल दिया है. बहुत ही ज़्यादा सामान है. मैं आपको क्लोजअप देती हूँ, बहुत ही बुरे सिचुएशन में है. तो अभी दो शेल्फ्स में से इतने सारा सामान निकला है. इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें बहुत सारे ब्लैंकेट्स हैं, कैरी बैग्स हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं, कुछ कपड़े हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज़ के. तो सबसे पहले मैं इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में प्रॉपरली अरेंज करूँगी. आई विल डीक्लटर सम ऑफ द थिंग्स एंड देन आई विल अरेंज इट इन द बॉक्सेस. मीनवाइल ये जो बाकी के शेल्फ्स यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये वाला और ये वाला पोर्शन है, मैं इनको भी सॉर्ट करूँगी आफ्टर डीलिंग विथ दिस. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ कंसोलिडेट कर लिया है. यहाँ कुछ कपड़े हैं, ये पूरे ब्लैंकेट्स हैं जो मैं एक स्टोरेज यू नो लिविंग बॉक्स में रखूँगी. ये कुछ गर्म कपड़े हैं, ये टॉयज़ हैं एंड ये कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं. तो मैंने सब कुछ कैटेगरी में कर दिया है. अब मुझे अरेंज करना स्टार्ट करना है. सो लेट्स डू दैट. तो मैं पहले 44 लीटर वाला बॉक्स ले रही हूँ एंड आई एम फर्स्ट पुटिंग ऑल द ब्लैंकेट्स दैट आई हैव गॉट हियर. वाओ, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ. इसमें ऑलमोस्ट 10 ब्लैंकेट्स अंदर आ गई. जितनी मेरे पास ब्लैंकेट्स और क्विल्स थे वो सब इसके अंदर आ गए. आई एम सो हैप्पी कि सब अब एक जगह पे रहेगा. अब इसके अलावा भी इसके ना साइड में पूरा स्पेस एम्प्टी है, तो मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे वूलन कपड़े हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ. गाइस, इसमें सारे ब्लैंकेट्स आ गए, सारे छोटे वूलन क्लोथ्स आ गए, और इसमें जो एक्स्ट्रा कैप्स थी, स्कार्फ्स थे, स्टोल्स थे, वो भी इसमें आ गए. अब मैं इसको जस्ट क्लोज करूंगी. एंड ये वाला बैग मेरा रेडी हो गया. इसमें सब कुछ कंसोलिडेट करके रख लिया.
दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. सामने से मैं ओपन करके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ब्लैंकेट पुल आउट कर सकती हूँ, विच इज़ सो सो कन्वीनियंट. मुझे बस इसका विंडो ओपन करना है एंड आई कैन सिंपली पुल आउट विच एवर फैब्रिक आई वॉन्ट टू पुल आउट, राइट. सो अभी के लिए इसको क्लोज कर दिया जाए. लेट्स जस्ट प्लेस इट. Now I'm going to take the second box. ये 24 लीटर वाला बॉक्स है, तो इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे टॉयज रखूंगी अंदर. देयर यू गो, मैंने सारे टॉयज भी इसके अंदर रख दिए हैं. और भी मुझे कोई टॉयज मिलेंगे तो इसमें बहुत जगह है डालने की. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस. लेट्स प्लेस इट. अब आप देख सकते हो ये दो रखने से कितना सारा सामान कंसोलिडेट हो गया. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी भी इसमें लाइक कबर्ड में जगह है, तो मैं चाहूँ तो मैं इनको थोड़ा साइड में करके बीच का स्पेस यूज़ कर सकती हूँ. ऊपर भी थोड़ी जगह है तो मैं ऊपर की जगह भी थोड़ी सी यूज़ करूँगी. तो मेरे पार्टी ड्रेसेस थे रैंडम एक बॉक्स में मैंने अरेंज कर दिया एंड आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन टॉप ऑफ दिस. तो आप देख सकते हो ना, आपके पास जो खुद के ऑर्गेनाइजर्स हैं आप उनको कंबाइन करके इसके साथ रख सकते हो. मुझे इतना पसंद है ना ये सिस्टम. तो मैंने यहाँ सारे जितने भी मिसलेनियस कपड़े थे जो मुझे ज़्यादा काम नहीं आते वो मैंने यहाँ रख दिए, क्योंकि मैं नीचे की तरफ उसको रखना चाहती हूँ. तो ये बॉक्स भी मेरा रेडी हो गया है एंड इसमें तो सामान रखने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बाकी है. तो मैं अभी के लिए फ्यूचर के लिए वो जगह खाली रखती हूँ. सो दिस इज द फाइनल ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड एंड ये अब इतना नीट एंड क्लीन दिख रहा है. एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज एंड एक्सेसिबल. यहाँ से मैं ईजीली अपने ब्लैंकेट्स निकाल सकती हूँ, इसमें से टॉयज निकाल सकती हूँ, ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं उसके वो भी बहुत ईजीली मैं बाहर निकाल सकती हूँ. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो नीचे काफ़ी स्टोरेज वाली चीज़ें रखी हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो मैंने नीचे रख दिया है. उसके ऊपर मैंने कैरी बैग्स रख दी हैं. ओवरऑल अगर आप देखो तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड दिख रहा है. आई एम सो हैप्पी. एंड अगर आप नोटिस करो तो मेरा ये वाला शेल्फ एक्चुअली खाली हो गया है. मैं इसको अब कुछ और स्टोर करने के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ. सो आप देख सकते हो इससे कितना स्पेस मेरा बच गया एंड दिस इज़ द ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड. सो यू गाइज, दैट कम्प्लीट्स टुडेज वीडियो. दिस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड राइट हियर. आई एम सो हैप्पी विद द वे दिस हैज टर्न आउट. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है, जगह भी मुझे खाली मिल गई है एंड सब कुछ अब इतना नीट एंड क्लीन दिख रहा ना. अगर आप ऐसे ओपन भी करोगे तो ये डिस्प्ले में भी बहुत अच्छा सा दिख रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी विथ हाउ इट हैज टर्न आउट. तो ये बॉक्सेस यूज़ करने से सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया. आई हाईली रिकमेंड यू दिस गाइज. एंड ये जो प्रोडक्ट है बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन, मिंत्रा और दूसरे वेबसाइट्स पे. आई एम गोइंग टू लीव ऑल द लिंक्स फॉर द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक दैट आउट. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वॉज अ स्मॉल ऑर्गेनाइज माई कबर्ड विथ मी. यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पे सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग, हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.